कल्पना कीजिए कि आप किसी विमान में सफर कर रहे हों और आपका सामना बिल्कुल असामान्य परिस्थितियों में किसी घोषित भूत या प्रेत से हो जाए, तो आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? स्पष्ट है कि प्रतिक्रिया भी असामान्य होगी। कुछ ऐसा ही हुआ था ईस्टर्न एयरलाइंस कंपनी के ट्राई स्टार फ्लाइट में तैनात एयर होस्टेस फे मेरी वीदर के साथ। आसमान साफ था, विमान में कुल 180 यात्री थे जो कि न्यूयॉर्क से फ्लोरिडा बीच तक जा रहे थे। यात्रा के बीच में यात्रियों को नाश्ता देने के लिए एयर होस्टेस फे मेरी वीदर अपनी सीट से उठी और फूड स्टोर की तरफ बढ़ी। वहां पहुंचकर उसने खाद्य सामग्री को ताजा गर्म रखने वाले ओवन की ओर जैसे ही हाथ बढ़ाया, सामने का दृश्य थर्रा देने वाला था। हलक से निकलने वाली चीख ने गले में ही दम तोड़ दिया था। दरअसल ओवन के सामने वाले शीशे के पीछे एक चेहरा झांक रहा था। विश्वास करना कठिन था, लेकिन उस चेहरे की आंखें भी हिल रही थी, मानो कुछ कहना चाह रही हूं। मैरी ने डर कर अपनी आंखें बंद कर ली। आंखें खोलने पर उसने पाया कि ऐसा कुछ नहीं था वहां। उसने ईश्वर से प्रार्थना की कि ये उसका भ्रम ही हो और कांपते हाथों को उसने ओवन से सामान निकालने के लिए आगे बढ़ाया ही था कि फिर वही चेहरा। हाँ, वही चेहरा था। इस बार उसने ध्यान से देखा था। ओवन का शीशा मानो टेलीविजन स्क्रीन हो चुका था। इस बार उसके होंठ हिल रहे थे। वो स्पष्ट रूप से कुछ बताना चाह रहा था। मैरी को थोड़ी देर के लिए लगा कि वो किसी और दुनिया में है, लेकिन तुरंत ही उसने अपने आप को संभाला और चेहरे पर आतंक का भाव लिए वो वहां पहुंची जहां फ्लाइट इंजीनियर मोर बैठा था। पहली बार में मोर मेरी की बात समझ नहीं पाया। वह मेरी के साथ फूड स्टोर में आया, उस समय भी वो चेहरा वहीं था, ओवन के शीशे के पीछे। इस बार मोर और मेरी दोनों ने साफ साफ सुना, वो कह रहा था, सावधान रहो, जेट में आग लगने जा रही है। कि सावधान रहो, जेट में आग लगने जा रही है। और इसी के साथ वो चेहरा गायब हो गया। मोर ने वो चेहरा पहचान लिया था। वो पिछला फ्लाइट इंजीनियर डॉन रेपो था जो एक हवाई दुर्घटना में मारा गया था। उन दोनों को ये बात अब तक समझ आ चुकी थी कि उनको चेतावनी देने वाला कोई और नहीं बल्कि डॉन रेपो का भूत था। उस वक्त उस फ्लाइट में किसी ने इस चेतावनी पर ध्यान नहीं दिया। शायद उस फ्लाइट में बुद्धिजीवियों का जमावड़ा था जिन्हें भूत प्रेत के अस्तित्व पर विश्वास नहीं था। मगर कुछ ही घंटों बाद मैक्सिको की यात्रा के दौरान उस विमान के इंजन में खराबी आ गई। इंजन के ठीक से काम न करने की वजह से उस विमान को वापस न्यूयॉर्क लेके आना पड़ा। मरम्मत के बाद परीक्षण के लिए जैसे ही विमान को उड़ाया गया, उसका जेट हवा में ही बम की तरह फटा। प्रत्यक्षदर्शियों में मोर और मेरी भी थे जिनके कान में डॉन रेपो के शब्द हथौड़े की तरह बज रहे थे। रह रहकर सभी के मस्तिष्क में एक ही प्रश्न घुमड़ रहा था कि अगर आज भी अतिरिक्त सावधानी न बरती गई होती तो न जाने क्या होता। इस पूरी घटना की डिटेल्स को अमेरिकी उच्चाधिकारियों ने उड़ान सुरक्षा संगठन में दर्ज किया है। इस घटना की जड़ें उस घटना में समाहित हैं जो इतिहास में सबसे असाधारण परामनोवैज्ञानिक घटनाओं में शुमार है और जिसे लोग द घोस्ट ऑफ फ्लाइट 401 या फ्लाइट 401 के भूत के नाम से भी जानते हैं। वो शाम थी दिसंबर 29, 1972 की। कुल 163 यात्रियों के साथ ईस्टर्न एयरलाइंस की फ्लाइट 401 अपने लॉकहीट L1011 ट्राई स्टार जेट विमान के साथ उड़ान भरने को तैयार थी। फ्लाइट के कप्तान बॉब लॉफ्ट, फ्लाइट इंजीनियर डॉन रेपो के अलावा उसमें 10 विमान परिचारिकाएं भी थीं। ईस्टर्न एयरलाइंस के फ्लाइट 401 की यह नियमित उड़ान थी जिसे न्यूयॉर्क के जॉन एफ कैनेडी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ान भरनी थी और मियामी फ्लोरिडा के मियामी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे तक जाना था। 55 वर्षीय फ्लाइट के कप्तान रॉबर्ट ऑल्विन बॉब लॉफ्ट एक वरिष्ठ और कुशल पायलट थे। उन्हें 32 वर्ष और कुल 29,700 घंटे विमान उड़ाने का अनुभव था। सहचालक दल में उनके साथ प्रथम अधिकारी 39 वर्षीय एल्बर्ट जॉन स्टॉकस्टिल थे जिन्हें 5,800 घंटे हवाई यात्रा का अनुभव था। उनके साथ फ्लाइट इंजीनियर 51 वर्षीय
डोनाल्ड लुइस डॉन रिपो थे, जिन्हें कुल 15,700 घंटे हवाई उड़ान का अनुभव प्राप्त था। इन सब के साथ चालक दल के सदस्यों में कंपनी की तरफ से एक 47 वर्षीय तकनीकी अधिकारी एंजेलो डोनेडियो भी था, जो एक असाइनमेंट पूरा करके न्यूयॉर्क से मियामी लौट रहा था। ईस्टर्न स्टैंडर्ड टाइम के अनुसार रात 9:20 पर फ्लाइट 401 163 यात्रियों और कुल 13 चालक दल के सदस्यों के साथ जॉन एफ कैनेडी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से विदा हुई। पूरी यात्रा के दौरान सब कुछ सामान्य था। लगभग 11:30 के आसपास वो जहाज मियामी हवाई अड्डे के ऊपर उड़ रहा था। विमान को हवाई अड्डे पर लैंड कराने के लिए जैसे ही लैंडिंग गियर को नीचे किया गया, स्टॉक स्टिल ने ध्यान दिया कि हरे रंग का इंडिकेटर ऑन होकर प्रकाशित नहीं हुआ, जबकि लैंडिंग गियर को डाउन पोजीशन में लॉक हो जाने के बाद उस हरे रंग के बटन को हर हाल में प्रकाशित हो जाना चाहिए था। हालांकि लैंडिंग गियर को हाथ से भी नीचे किया जा सकता था, विमान चालकों ने दोबारा कोशिश की, लेकिन वो उस कन्फर्मेशन लाइट को ऑन कराने में असफल रहे। कप्तान बॉब लॉफ्ट, जो कि रेडियो पर बात कर रहे थे, उन्होंने ग्राउंड पर मौजूद अधिकारियों से कहा कि वे विमान को लैंड कराने का प्रयास छोड़ रहे हैं और उसको होल्डिंग पैटर्न पर डाल रहे हैं। कंट्रोलर ने उन्हें विमान को 2000 फीट की ऊंचाई पर ले आने और पश्चिम में स्थित दलदली भूमि के ऊपर होल्डिंग पैटर्न पर डालने को कहा। इधर फ्लाइट इंजीनियर डॉन रिपो को वैमानिकी कक्ष, जो कि विमान की छत के ठीक निचले हिस्से में बना हुआ था, में भेजा गया, ये सुनिश्चित कराने के लिए कि क्या वाकई में लैंडिंग गियर नीचे हो रहा है या नहीं। विमान के निर्धारित ऊंचाई पर पहुंच जाने के लगभग 50 सेकंड के बाद कप्तान लॉफ्ट ने स्टॉक स्टिल को निर्देश दिया कि विमान ऑटो पायलट की स्थिति में डाल दें। अगले 80 सेकंड्स तक विमान अपनी निर्धारित ऊंचाई यानी 2000 फीट पर उड़ता रहा और उसके बाद अचानक से यह 100 फीट नीचे आ गया। 2 मिनट और बीते और विमान उसी ऊंचाई यानी 1900 फीट की ऊंचाई पर उड़ता रहा। उसके बाद जिस धीमी गति से वो विमान नीचे आना शुरू हुआ, उसे उस विमान के चालक दल के सदस्य भी भांप नहीं सके। मौत दबे पांव आगे बढ़ रही थी। अगले 70 सेकंड्स में उस विमान ने अपनी ऊंचाई के 250 फीट और खो दिए, लेकिन इतना काफी था कम ऊंचाई के लिए निर्धारित वार्निंग बेल को बजने के लिए। इंजीनियर रेपो एक बार फिर नीचे बने कक्ष में गया। अगले 50 सेकंड्स में विमान अपनी निर्धारित ऊंचाई यानी 2000 फीट की आधी ऊंचाई पर उड़ रहा था। इसके बाद स्टॉक स्टिल ने विमान को 180 डिग्री पर मोड़ने की कोशिश की, तो उसे कुछ समस्या नजर आई। इसके बाद 10 सेकंड से भी कम समय में वो विमान क्रैश हो गया। मौत के झपट्टे ने सोचने का भी वक्त नहीं दिया कि कब वो इस दुनिया के पार निकल गए। विमान जब धरती से टकराया तो उसकी गति थी 365 किलोमीटर प्रति घंटा और विमान का मलबा मिला मियामी के उत्तर पश्चिम में लगभग 30 किलोमीटर दूर रनवे नंबर 9L के अंतिम भाग के आसपास। इस हादसे में 77 लोगों की जानें बच गई, जिनमें 69 यात्री थे और 8 विमान की परिचारिकाएं थी। उस दुर्घटना में विमान के जो हिस्से कलपुर्जे सही सलामत बच गए थे, उन्हें लॉकहीड कंपनी ने नए विमानों में इस्तेमाल कर लिया। नए विमान ट्राई स्टार 318 के फूड स्टोर वाला हिस्सा और वो ओवन जिसके शीशे के पीछे डॉन रिपो का चेहरा मैरी और मोर को दिखा था, वो पहले उसी दुर्घटनाग्रस्त विमान में ही लगा था। ऐसा नहीं था कि सिर्फ डॉन रिपो का ही भूत दिखाई दिया था, बल्कि अलग अलग घटनाओं में कप्तान बॉब लॉफ्ट की भी प्रेतात्मा दिखती रही। पहली बार ये प्रेत लीला ईस्टर्न एयरलाइंस के इसी विमान ट्राई स्टार 318 में ही शुरू हुई। समय था 1973 का और विमान में ईस्टर्न एयरलाइंस के वाइस प्रेसिडेंट भी सफर कर रहे थे। उनके साथ वाली सीट पर ईस्टर्न एयरलाइंस की वर्दी पहने जहाज का कप्तान भी बैठा था और उनसे बातें कर रहा था। थोड़ी देर बाद उन्हें लगा कि जहाज का कप्तान तो उनके साथ बैठा बातें कर रहा है, फिर पायलट केबिन में विमान कौन उड़ा रहा होगा। ऐसा ध्यान आते ही उन्होंने अपने साथ बैठे कप्तान के चेहरे को और ध्यान से देखा और वाइस प्रेसिडेंट के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। वो उस चेहरे को पहचानते थे।
वो बॉब लॉफ्ट था, जिसे मरे हुए लगभग एक साल हो चुका था। वो भागकर पायलट के केबिन की ओर गए और विमान के कर्मचारियों के साथ जब लौटे तो बॉब लॉफ्ट का भूत गायब हो चुका था। ऐसी ही एक अन्य घटना में नियमित उड़ान से पहले जब फ्लाइट इंजीनियर जांच के लिए ट्राई स्टार 318 में घुसा था तो उसके ठीक सामने डॉन रेपो का भूत पूरी वर्दी में बैठकर कलपुर्जों की जांच कर रहा था। विमान के सारे कलपुर्जे ठीक हैं, ऐसा कहकर वो तुरंत वहां से गायब भी हो गया। जब इस तरह की घटनाएं बढ़ने लगी तो कंपनी ने सत्य का पता लगाने के लिए एक जांच अधिकारी को नियुक्त किया। उस जांच अधिकारी ने स्वयं विमान के मियामी से अटलांटा की यात्रा से पहले डॉन रेपो के भूत को पूरी तन्मयता से पैनल बोर्ड के सामने काम करते हुए पाया। ईस्टर्न एयरलाइंस की फ्लाइट 401 के क्रैश होने और उसके बाद होने वाली भुतहा घटनाओं के ऊपर जॉन जी फुलर ने 1976 में एक पुस्तक भी लिखी थी, जिसका नाम था द घोस्ट ऑफ फ्लाइट 401। इस पुस्तक में उन्होंने बताया है कि तथाकथित घटित होने वाली परामनोवैज्ञानिक घटनाओं के पीछे का कारण दुर्घटनाग्रस्त हुए विमान के ध्वंसावशेषों को दोबारा से नए विमानों में इस्तेमाल करना था। सामान्य बुद्धि इन तर्कों से सहमत हो सकती है, लेकिन प्रेतात्माएं सिर्फ वस्तुओं या व्यक्तियों के मोह की वजह से नहीं भटकती, बल्कि इसके पीछे उनका प्रारब्ध होता है। कुछ प्रेतात्माएं स्वभावतः अच्छी होती हैं, वो दूसरों का भला ही चाहती हैं, अतः प्रेत योनि में भी वो दूसरों की भलाई के लिए ही कार्य करती हैं। हालांकि कोई कितनी भी भली प्रेतात्मा हो, लेकिन जब सामना होता है तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं और हलक सूख जाता है।